इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुई, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस जरूरी नहीं है, ये लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बनाने के लिए। आपसे कहा गया, आपसे कहा जाए ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो पहले हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे तो किसी भी चार्ज कॉन्फिग्रेशन का इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको चाहे पॉइंट चार्ज दे दिया, चाहे लाइन चार्ज दे दिया जाए, चाहे स्फेरिकल चार्ज दे दिया जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज हम समझ लें। उसके बाद आप किसी भी चार्ज कॉन्फिगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद बना लोगे। तो पहले तो हम समझते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमेशा वही लिखी जाती है जिस प्रॉपर्टी पर हमने इसे डिफाइन किया। हमने क्या कहा, कैसे क्या डिफाइन किया, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बस यही प्रॉपर्टी है इसकी, क्या कि पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। जिस पर इसको हमने डिफाइन किया वही इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या बनी है, सेकंड प्रॉपर्टी बनती है सेकेंड प्रॉपर्टी समझने से पहले कुछ और थोड़ा सा बात समझते हैं। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था वी बी माइनस वी ए इक्वल्स डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट जूल पर कूलम। फॉर टू पॉइंट्स हैविंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस हो अगर दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे डीवी। तो वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट जूल पर कूलम। समझ आई बात, डी डब्ल्यू वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, डीवी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स क्या बना, क्यू नॉट डीवी जूल, करेक्ट। मतलब अब ये डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू है आपका वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, और ये डीवी क्या है बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन कौन सा वर्क डन है, वर्क डन है फॉर मूविंग चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये तो पोटेंशियल, ये वर्क डन हुआ क्यू नॉट चार्ज मूव करने के लिए। अगर क्यू नॉट चार्ज मूव नहीं करना, आपने क्यू चार्ज मूव करना है, अगर आपने चार्ज क्यू मूव करना है तो फिर वर्क डन कितना लिखा जाएगा, फिर आप वर्क डन लिख सकते हैं कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। सीधे सीधे से ये वर्ड फॉर्मूला लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल क्यू वी, डब्ल्यू इज द वर्क डन, वी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज यू हैव टू मूव, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिएगा कि वी
वी हम पोटेंशियल के लिए भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वी हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले में ये पोटेंशियल है और किस फॉर्मूले में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सर चार्ज तो दे रहे हैं। देखिए ये हमने डिफाइन किया है टेस्ट चार्ज से, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज को ही मूव करेंगे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से मुझे 1 माइक्रो कूलम को चार्ज को यहाँ लेकर जाना है। 1 माइक्रो कूलम चार्ज या 2 माइक्रो कूलम या 10 माइक्रो कूलम चार्ज को मुझे लेकर जाना है, तो फिर मैं वर्क कैसे निकालूंगा? हमेशा टेस्ट चार्ज थोड़ी ना मूव करेंगे। टेस्ट चार्ज से तो हमने इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो गया तो किसी भी चार्ज को मूव करने में कितना होगा, फिर से ध्यान से समझिए, फिर ध्यान से समझिए। टेस्ट चार्ज का हमने यूज किया है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली तो आपने जो फाइंड करा है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड करा विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, लेकिन मुझे अगर 10 माइक्रो कूलम ले, भाई मैंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर इस पॉइंट से यहां तक लेके जाऊं तो मुझे 50 जूल का वर्क करना पड़ेगा, जबकि ये 50 वोल्ट मैंने कैसे फाइंड करा? ये 50 वोल्ट मैंने फाइंड करा टेस्ट चार्ज की हेल्प से, लेकिन है तो एक्चुअली ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज के लिए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन मुझे ले जाना हो यहां से 10 कूलम चार्ज। ठीक है, मेरे पास 10 कूलम का चार्ज इकट्ठा नहीं है, टुकड़े टुकड़े करके ले जाऊंगा, छोटे छोटे करके बिट करके ले जाऊंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाऊंगा। मुझे 10 कूलम चार्ज ले जाना तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? 500 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट था। 50 वोल्ट का मतलब 1 कूलम को मूव करने में चार्ज। ये कौन कह रहा है कि पूरा इकट्ठा एक साथ उठा के लाओ पूरा 1 कूलम, टुकड़े टुकड़े करके ले जाओ, छोटे छोटे करके ले जाओ, तो भी 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 50 जूल। 10 कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 500 जूल। और अगर 10 माइक्रो कूलम मुझे मूव करना है तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे 10 माइक्रो कूलम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। बात क्लियर हुई या नहीं? ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है W = QV। हेयर W इज द वर्क डन, क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज नॉट नेसेसरी टेस्ट चार्ज, इट मे बी एनी काइंड ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। V is the potential difference, जबकि वैसे हमें इसको dV लिखना चाहिए, इसे dW ही लिखना चाहिए। एक्चुअली करेक्ट एक्सप्रेशन तो ये बनेगा, देखो करेक्ट एक्सप्रेशन तो ये बनता है dW = QdV, पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ वर्क डन dW। ये भी एक्चुअली डिफरेंस होता है दो वर्क का डिफरेंस होता है। अब जब इतनी बात कर रहे हो तो और मैं थोड़ी सी और बात आपको आगे की बता दूं। देखो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, दिस इज द 1 कूलम चार्ज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस में ही मैंने अगर इनिशियल पॉइंट ले लिया इन्फिनिटी पर, तो फिर जितना वर्क मुझे करना पड़ा इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए, इट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल फाइंड कर लिया था हमने, पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते। देखो ध्यान से समझना, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए तक लाए, आपको वर्क करना पड़ा W1। इन्फिनिटी से ही आप चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बी तक लेकर आए, आपको वर्क करना पड़ा W2। तो नेट वर्क डन उसी चार्ज को ए से बी तक मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा आपको? आपको वर्क करना पड़ेगा W2 - W1। मतलब क्या है एक्चुअली? इट इज द डिफरेंस ऑफ वर्क। किस वर्क का डिफरेंस है? जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में करना पड़ता, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहां से बनाया? पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल बनाया था, पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया। यही तो सारी सुंदरता है फिजिक्स की, एक चीज समझो उसमें से चार और निकल कर आ जाती है। तो
एक्चुअल में हम मैंने जो यहाँ लिखा ना, ये जो लिखा है WAB, इट इज द डिफरेंस ऑफ वर्क। DW लिखना चाहिए था मुझे, कैसा कौन सा वर्क का डिफरेंस है ये। एक तो वर्क वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाने में करना पड़ा, एक वर्क वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में करना पड़ा, दोनों का डिफरेंस है ये DW। बात इतनी समझ आई? तो राइट करेक्ट एक्सप्रेशन तो मुझे ये लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए मुझे? एक्चुअली एक्सप्रेशन लिखना चाहिए DW QDV। लेकिन वो मतलब इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट हम फिलहाल उठा के रख लेते हैं, एक तरफ अलमारी बंद कर देते हैं, हमारा काम चल जाएगा W से भी। W = Q। W वर्क डन, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नॉट पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। DV मुझे इसको लिखना चाहिए था। यहां तक की बात क्लियर हुई? ये कह रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो हमें DW ही लिखना चाहिए। क्यों लाओगे भाई, हमेशा इन्फिनिटी से क्यों लाओगे? मेरे पास तो यहाँ रखा हुआ है ए चार्ज, ए पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज मुझे बी पॉइंट पे ले आना, तो क्या मैं पहले से अपने चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाऊँ और फिर वहां से लाऊं, फिर वहां से बी तक लाऊं? नहीं, मैं तो ए से बी तक ले जाऊंगा, जरूरी थोड़ी ना हमेशा इन्फिनिटी से लाया जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना है, ए से बी तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो एक पर यूनिट चार्ज, वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी से लाओगे आप हमेशा। इन्फिनिटी से लाकर तो आपने इसको डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया एक्चुअली। इन्फिनिटी से लाने में वर्क W1, इन्फिनिटी से लाने में बी तक लाने में वर्क W2, तो DW W2 - W, तो फिर ए से बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा ये इन दोनों वर्क के डिफरेंस के इक्वल है। अगर आप लाएं इन्फिनिटी से तो, अगर आप इन्फिनिटी से लाएं तो ए से बी तक ले जाने का जो वर्क डन है वो इन दोनों वर्क डन के डिफरेंस के इक्वल है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा मैं इन्फिनिटी से लूंगा। मेरे पास तो रखा हुआ चार्ज यही घर में रखा हुआ था एक कमरे में, मुझे दूसरे कमरे में लेके जाना, मैं क्यों इसे बाहर घर के बाहर ले जाऊं, पहले सड़क पे फिर लाऊं एक कमरे में, फिर उठा के ले जाऊं सड़क पे, फिर लाऊं दूसरे कमरे में, फिर देखूं कितना वर्क का डिफरेंस आया, एक जगह दूसरे का उठा के ले जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इन्फिनिटी से ही लाएंगे। कंफ्यूजन होता है जब किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो कहीं हम एक बेसिक उसका ले लेते हैं। इन्फिनिटी पर सबने मिलकर कह दिया कि इन्फिनिटी को पोटेंशियल जीरो मान लो, जैसे कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ जीरो होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अर्थ सर्फेस कितना था, -G ME/RE। इन्फिनिटी पर जीरो था और अर्थ सर्फेस पर था निगेटिव। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े, आपकी कन्वीनियंस हो, तो अर्थ सर्फेस पर जीरो ले लो भाई, ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव, नीचे ले जाओ निगेटिव हो जाएगा, बात वहीं की वहीं रहेगी। डिफाइन तो हमने कर लिया इन्फिनिटी से, लेकिन अगर कभी, अब नॉर्मल केसेस में हम क्या कहते हैं, हम नॉर्मल केसेस में कहते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पहुंच गया, कितना वर्क करना पड़ा MGH, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पर जीरो ले ली ना। अब मुझे अगर यहाँ से यहाँ लेके जाना हो तो जरूरी थोड़ी ना पहले मैं इन्फिनिटी से यहाँ लाऊँ फिर यहाँ लाऊँ, मैं तो यहीं से उठा के ले जाऊंगा और इस वाले हिसाब से लगा दूंगा, कर दूंगा जितना, वैसे इन्फिनिटी से लाने पर जितना आंसर आएगा उतना यहाँ से यहाँ तक के लिए भी आंसर आएगा, तो क्यों ले जाएंगे हम इन्फिनिटी पर? समझ रही बात? तो कहाँ था मैं, कहाँ था, ये कर रहे तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये बहुत काम का फॉर्मूला, आगे इसका बार बार यूज पड़ेगा, और ऐसा नहीं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका यूज पड़ेगा, आपका इसका इस फॉर्मूले का यूज पड़ेगा बिल्कुल लास्ट के लेसन तक, लास्ट का जो न्यूक्लियस वाला लेसन होगा वहां तक इसका यूज करना पड़ेगा। आपको याद रखना W वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट बिटवीन विच यू हैव टू मूव दिस चार्ज Q, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। लिखना चाहिए ऐसे DV, लिखना चाहिए ऐसे DW, लेकिन फिलहाल W और V से भी हम काम चला लेते हैं। बात इतनी क्लियर हुई? अब आ जाते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी समझने के लिए बहुत बहुत ध्यान से समझना, जरा बहुत ध्यान से समझना। ये मेरा कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा ये, ठीक है। एक पॉइंट इस पर है ए, एक पॉइंट है इस पर बी, करेक्ट। अब मैंने क्या काम किया, मैंने ए और बी से, ए से बी या बी से, ए से बी या बी से, ए से बी
या बी से, इस रास्ते से, या स्ट्रेट लाइन से, या ऐसे सारी दुनिया में घुमा फिरा के चार्ज को मैं मूव करा, किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, नॉट टेस्ट चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां से यूं ले गए, यूं मूव कर दिया, कहीं से भी किसी भी रास्ते के थ्रू मूव कर दिया, तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। वी क्या है? वी इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर मैं बी से ए के लिए जा रहा हूं तो उल्टा लिख दिया मैंने, वी ए माइनस वी बी हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बी से ए के लिए तरफ जा रहा हूँ, ए से बी के जा रहा हूँ, वी बी माइनस वी, जीरो आ जाएगा। हाँ बस यही तो पूछने वाला था मैं। लेकिन यहाँ वी ए और वी बी इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो वी और वी बी दोनों इक्वल है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब वर्क कितना हुआ? जीरो। सिंपल सी बात है, सेकंड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या वर्क डन फॉर मूविंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन फॉर मूविंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन जीरो है। कब है जीरो? जब आप किसी भी चार्ज को मूव करें। कहाँ मूव करें? किसी भी रास्ते से मूव करें। किसके बीच मूव करें? दो पॉइंट्स के बीच मूव करें। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? जो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दो पॉइंट के बीच में किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना भी चार्ज आप मूव कर दो, किसी भी रास्ते से मूव कर दो, वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आपका जीरो आना है। बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? लेते हैं वो, आप अपने नोट्स में पूरा कर लेना। क्या लिखिए? ये डी डब्ल्यू इक्वल्स क्यू डी वी, ठीक है, फॉर टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस डी वी इक्वल जीरो, हैंस डी डब्ल्यू इक्वल जीरो। ये तीन लाइनें आप कर लेना नोट्स में, उसमें स्पेस छूटा हुआ है जो मैं आपको भेजूंगा, सेकंड पॉइंट में, सेकंड प्रॉपर्टी में ये तीन लाइनें आपको कर लेनी है, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया इस चीज का, किसका? कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग एनी अमाउंट ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, और ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हम कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही होती है, और कोई तरीका नहीं है, और इसीलिए ये प्रॉपर्टी है जिससे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करना आपको पहले ही आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव से कैसे होती है, बस उनके परपेंडिकुलर सरफेस बनाते चले जाओ, अपने आप वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। अब ये भी आपके नोट्स में नहीं है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दो तीन बार एग्जाम में आ चुका। क्या आ चुका? प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस इस हेडिंग के आगे, इस हेडिंग के आगे एक वर्ड जोड़ दिया, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक
इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमें ऐसा प्रूव करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा सा सिंपल सा प्रूव है इसका। डी डब्ल्यू इक्वल्स क्यू डी वी, ठीक है। वर्क डन, वर्क डन हम कैसे कह सकते हैं बताओ, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डॉट डी एक्स इक्वल्स क्यू डी वी। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई वेक्टर डी एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू डी वी, ध्यान से देखना, क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, E dot dx equals what? dv. हाँ जी, सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल, dw equals qdv. dw इलेक्ट्रिक फील्ड या कहीं भी वर्क डन कितना होता है, फोर्स वेक्टर डॉट dx वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर qdv. और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो E वेक्टर इक्वल्स F वेक्टर बाय Q, तो F वेक्टर इक्वल्स E वेक्टर इनटू Q, तो ये हमारा क्या बना, F वेक्टर दोनों साइड क्यों से dv, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू dv, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फॉर टू पॉइंट्स ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर टू पॉइंट्स ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस dv इक्वल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv है, उन दो पॉइंट्स के बीच में आपने चार्ज मूव करना है q, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू dw qdv फॉर moving charge q between two points having potential difference dv, the amount of work done is dw. The amount of work done in any case is equals to force into distance, dot product of force and distance. चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसको, this is electric field, this is electric field, these are the two points. The potential difference between these two points is dv and the distance, linear distance between them is dx. Potential difference between these two points is dv. So dv point, मैंने यहां से यहां तक एक चार्ज मूव करा q, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इंटू dv, ये रहा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से वर्क नहीं फाइंड करना, मैं वर्क फाइंड कर रहा हूँ किससे, फोर्स से फाइंड कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ रही है और कितना डिस्टेंस मुझे चलना पड़ रहा है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, dx क्या है, dx दोनों के बीच का डिस्टेंस है, समझ आई बात, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, फोर्स कितना लगेगा, मैंने यहाँ चार्ज रखा है क्यू, तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, फोर्स ऑन एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, क्योंकि हमने ई वेक्टर को डिफाइन ही फोर्स से किया हुआ है, अगर क्यू नॉट रखा हुआ है तो फिर फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, और अगर क्यू नॉट नहीं रखा हुआ, कुछ और रखा हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो फिर फोर्स कितनी आ गई, मैंने यहाँ फोर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कितना आ गया, फोर्स, फोर्स की जगह आ गया q into e, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dv, फॉर एनी टू पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल फॉर दो सरफेसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हुआ e वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो for same equipotential surface, for same equipotential surface, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है,
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? सर जब एंगल 90 डिग्री हो, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ हेंस ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? डीएक्स वेक्टर। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप चल रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप चल रहे हो तो आपको कहाँ चलना है? आपका जो डीएक्स वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप चल रहे हो अगर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप चल रहे हो, जहां चल रहे हो वो डीएक्स परपेंडिकुलर ई वेक्टर के, और ये दोनों पॉइंट आपके कहाँ है? जिन दो पॉइंट्स के बीच आप चल रहे हो दोनों कहाँ है? सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इसका मतलब ई वेक्टर डीएक्स वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हुआ? हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ई वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और अक्सर किताबों में गलत लिखी हुई है, एक आध किताब में, सारी किताबों में, हर बुक में ये है भी नहीं, और जिनमें से ज्यादातर जिसमें जिसमें है भी तो वो गलत है डेफिनेशन, वो सॉरी इसका पूरा प्रूफ ही गलत दे रखा है। और बहुत ध्यान से देख लेना इसे, और फिर से मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे हो और आपके ट्यूशन वाले सर इससे कुछ डिफरेंट कराएं, तो साफ साफ बिल्कुल ये रख देना उनके सामने कि जी अगर इसे समझा सकते हो तो समझा दो, वरना छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो अगर इसे समझा सकते हो। आसिफ सर से पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया क्या पढ़ाया उन्होंने, क्या बताया हमें समझ में नहीं आया, आप समझा दो, और अगर इसे नहीं समझा सकते हो तो किसी दूसरे तरीके से मत समझाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि अपने ट्यूशन वाले टीचर को मेरे वाली चीज़ दिखा दो, और बुक में से भी मत देखो और ये देख लो। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, फिलहाल मैं फोर्थ प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी एक्सप्लेनेशन आपको लंबा करना पड़ेगा, सबसे लंबा एक्सप्लेनेशन है इसका। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है और आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा क्योंकि टाइम रह गया सिर्फ 2 मिनट का। क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी? क्या है? नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ध्यान से देखिएगा, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, मैंने सरफेस की फॉर्म में बनाया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, करेक्ट। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रही, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर हम ये कहें कि ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो फिर क्या होगा? देखो, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है, इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर तो होगी ये। और जो रेड वाली बनाई है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होनी, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर क्या हुआ? ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या कहानी बन रही है। देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये एक ये रही रेड वाले के हिसाब से, एक ये रही ब्लैक वाले के हिसाब से। तो देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो इधर भी चलेगा, वो उधर भी चलेगा, एक ही टाइम पर यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता कभी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इफ दे डू सो, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज एब्सर्ड, जो बिल्कुल बेतुकी बात है। क्लियर हो इतनी? फोर्थ प्रॉपर्टी कल डिस्कस करेंगे, लंबा है इसमें डिस्कशन। यस सर। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद।